एटीएम क्लोनिंग के जरिए 5 लाख की ठगी करने वाले शातिर नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अल्मोड़ा पुलिस ने ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अल्मोड़ा पुलिस ने 25,000 के शातिर इनामी मोस्ट वांटेड शरद मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। 5 सालों से फरार चल रहा मोस्ट वांटेड को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी भोले भाले लोगों और बुजुर्गों की मदद के बहाने उनका एटीएम अपने हाथ में लेकर छोटी स्कैनिंग डिवाइस स्वाइप मशीनों से एटीएम कार्ड चुपके से स्वाइप कर लेता था और उसके बाद घटना को अंजाम देता था। लेकिन अब आरोपी पुलिस की हिरासत में है, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। ये 2017 में यहाँ पे एटीएम फ्रॉड हुआ था, जिसमें कि 3 मुलजिम थे, राहुल त्रिपाठी, नवनीत शुक्ला और शरद मिश्रा। इसमें कि राहुल त्रिपाठी पहले गिरफ्तार हो चुका था और नवनीत शुक्ला जो 20,000 का इनामी था 2022 में हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो तीसरा अभियुक्त था शरद मिश्रा, जो कि 2017 से लगातार फरार चल रहा था पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके, उसको उस पर 25,000 रुपये का इनाम था और उसको जो है कल हमारी SOG की टीम और थाना पुलिस की टीम और जिले की पुलिस की टीम के द्वारा उसको कल गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया।